अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कल जो शाम की एक 10 बजे की क्लास थी कल रात की इसी विषय पर, वो कल रात हो नहीं सकी क्योंकि कल इस एरिया में लाइट नहीं थी, और इसलिए इस क्लास को आज सुबह 11 बजे आयोजित किया गया है, लेकिन आज शाम को ये फिर से रात के 10 बजे ही होगी ये क्लास। तो जिस इशू पर ये क्लास मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ वो है कि GS3 का, मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के मेंस के लिए GS3 का यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट का कंप्लीट कोर्स, और उसी अनुक्रम में ये आज की दूसरी क्लास है। पहले अनुक्रम में हम लोगों ने ये समझा था कि जो नया सिलेबस आया है मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का 2020 का, उसमें 2019 के सापेक्ष क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और वो परिवर्तन आपके लिए किस हद तक और किस तरह से लाभकारी हैं, तो ये सब हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। आज हम इसमें आगे शुरुआत करेंगे, कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लेंगे हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में पिछले दिनों में आए हैं, और ये समझेंगे कि किस तरह से GS3 का कोर्स अगर आप एक बेहतर तरीके से कर लें तो वो आपको प्रीलिम्स में भी बहुत मदद कर सकता है। मैं संजय मोहन भटनागर हूँ, मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी पर मैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ रोज शाम को 8 बजे। अनअकैडमी एक नया फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रही है, ये 12 मई से शुरू हो रहा है। कोर्स शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपके संज्ञान में लाना ज़रूरी है कि SI का, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, की परीक्षा के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। इसमें जो एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो मिस्टर योगेंद्र सिंह हैं जो GK पढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश की GK, मिस्टर शोएब अहमद मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं इसमें साइंस पढ़ाऊंगा, मिस्टर रूप सिंह यादव इसमें हिंदी पढ़ाएंगे, मिस्टर श्याम इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, मिस्टर भूपेश इसमें जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे। तो यदि आपने इसको अभी ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया इसको ज्वाइन कीजिए, ये कोर्स निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। ये मेरे बारे में है कि मैं आपको किस तरह से इस कोर्स में, सब इंस्पेक्टर के कोर्स में, के परीक्षा के कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो सब इंस्पेक्टर के कोर्स में, जो परीक्षा के कोर्स में मुझे पढ़ाना है उसके कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मेरा कोर्स है वो 26 जून से शुरू हो रहा है और ये 3 अगस्त तक चलेगा। तो ये 39 डेज का प्लस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर एक कैप्सूल कोर्स है जिसमें आपको पूरा साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कवर होगा विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड क्विजेस। 17 लेक्चर केमिस्ट्री पर हैं और 22 लेक्चर फिजिक्स पर हैं। इसमें अभी दिन में 1 बजे भी एक क्लास है जो लॉज ऑफ मोशन पर है फिजिक्स के लिए, और शाम को 8 बजे भी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है, यानी वो फ्री है सबके लिए, दिन में 1 बजे और रात को 8 बजे। तो ये उसके टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं 26 जून ऑनवर्ड्स 3 अगस्त तक। तो नाउ लेट अस कम टू टॉपिक। ये प्रीलिम्स का कोर्स है, IT, ICT, इन सबसे संबंधित जो प्रीलिम्स का कोर्स है, और इस कोर्स में अगर हम एक आधा चीज़ को छोड़ दें, फॉर एग्जांपल हम ई-कॉमर्स स्पेसिफिकली मेंस के सिलेबस में नहीं कहा गया है, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि वहाँ पर ये सब कहा गया है तो इसलिए ई-कॉमर्स उसमें अपने आप में समाहित होता है और आपको निश्चित रूप से उसको पढ़ना भी चाहिए। मैंने आज जो शुरुआत की है आज के लेक्चर की, वो मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में 2013 के पश्चात, मैं इसमें 2014 लिख गया हूँ, बेसिकली इट इज 2013, 2013 से, और ये 2019 लिखना था मेरे को, 2019 तक के प्रीलिम्स में जो सवाल आए हैं ITC और ICT से, उन सवालों पर डिस्कशन है। और ये डिस्कशन इसलिए है कि आपको ये बताया जा सके कि अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है कंप्यूटर एंड ICT, यानी ओवरऑल मैं GS3 की बात कर रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग एनर्जी मैथमेटिक्स एवरीथिंग, तो आपका ये 20-25 क्वेश्चंस बहुत इजीली GS1 में, प्रीलिम्स के GS1 में कवर हो सकते हैं, और 15-20 क्वेश्चन निश्चित रूप से मायने रखते हैं। तो ये जो मैंने सबसे पहले पेपर लिया है 2013 का है, नो वॉट आर द टू पार्ट्स ऑफ द ईमेल एड्रेस, इसको ध्यान रखिए, ये बाद में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है शायद 2018 में या 2019 में, जिसको मैं कल देखूंगा।
तो ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन एड्रेस। एट द रेट के बाद जो आता है वो डोमेन एड्रेस होता है। और इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, मेन्यू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑब्वियसली कमांड्स। मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है, ये एक पीपीटी स्लाइड का उदाहरण है जिसमें ये मेन्यू बार दिखाई गई है और इस मेन्यू बार में ये सब आपके सामने कमांड्स हैं। तो मेन्यू बार में कमांड्स होते हैं, ओके। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन था ये था, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्वियसली एज स्पैम। जंक मेल को स्पैम बोलते हैं। हमारे पास जब हमारा जो मेल है उसमें एक स्पैम फोल्डर भी होता है जिसमें अवांछित मेल्स या तो स्वतः चली जाती हैं या किसी मेल को बता देते हैं, उस पर जो है मैप कर देते हैं उसको स्पैम फोल्डर के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में जाती रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाकी तीन टर्म भी, चूंकि इस पर बात चल रही है सब्जेक्ट पर, तो इन तीन टर्म्स के लिए भी मैं आपको बताना चाह रहा था। स्पूफिंग का मतलब होता है कि कोई मेल आपके पास ऐसी आए जिसमें आपको लगे कि आपके किसी परिचित से मेल आई है, लेकिन वो मेल आपके परिचित से नहीं है और वो हो सकता है कोई मैलवेयर हो, तो ऐसी मेल स्पूफिंग मेल कहलाती है और इस काम को बोलते हैं स्पूफ, और ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म है। दूसरा, स्पूलिंग का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसमें ये बफर है एक तरह का, जो किसी डिवाइस, फॉर एग्जांपल हम तो कंप्यूटर की बात करेंगे, उसके लिए अगर हमने एक से ज़्यादा जॉब्स करने के लिए दे दी हैं तो उन जॉब्स को वो एक सिक्वेंस में रख देता है। सो दिस इज़ बेसिकली स्पूफिंग। एंड फाइनली स्निफिंग है। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, स्निफ का हिंदी में मतलब, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि डेटा नेटवर्क पर जो पैकेट्स जाते हैं, डेटा पैकेट्स, मैंने आपको, आप में से जो कंप्यूटर्स एंड आईसीटी क्लास पर थे अनअकैडमी में, उनको मैंने समझाया था। तो डेटा पैकेट्स को अगर मॉनिटर करे कोई ऑब्वियसली विद मैलाफाइड इंटेंशन, तो ये फिर एक साइबर क्राइम बन जाता है। और इन डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करके और उनको कैप्चर करके पासवर्ड ले लेना और डिफरेंट खातों की जानकारी लेना वगैरह 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 वगैरह, ये सब स्निफिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर था 26वें क्वेश्चन में स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड ऑन अ डिजिटल वॉच। ऑब्वियसली डिजिटल वॉच में मेन फ्रेम नहीं हो सकता, सुपर कंप्यूटर ने एक पी लिखा हुआ है सर, सुपर कंप्यूटर नहीं हो सकता, नोटबुक नहीं हो सकता, तो ओनली एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जिसको रिस्ट वॉच में एम्बेड कर दिया जाता है या किसी भी डिजिटल वॉच में, चाहे वो रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, कोई भी हो, लेकिन अगर डिजिटल वॉच है तो उसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑब्वियसली माउस इज ए हार्डवेयर, प्रिंटर इज ए हार्डवेयर, मॉनिटर इज ए हार्डवेयर, बट एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर। एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस एंड एम एस एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। नाउ ये बड़ा आसान सवाल है, ये मैंने अपनी कंप्यूटर की क्लास में पढ़ाया भी था अनअकैडमी पर, कि हु इज कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑब्वियसली टिम बर्नर्स ली इसका आंसर है, और ये मैंने डिटेल दी थी अपने अनअकैडमी की क्लास पर। ये वाला पेज सबसे पहले बनाया गया था, ये CH स्टैंड्स फॉर स्विट्जरलैंड, जैसे IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। नाउ विच वन इज मेनली यूज इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन द एग्जामिनेशन। ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसको मैंने अपनी जो कंप्यूटर ICT की क्लास थी मैंने उसमें समझाया था कि ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं, और चूंकि ये सब्जेक्ट पर बात चल रही है इसलिए उस स्लाइड को मैंने फिर से उठाया है, कि ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड, माउस, टच पैड वगैरह वगैरह, ये सब तो आप जानते ही हैं, माइक्रोफोन भी, लेकिन OMR अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट इज़ OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये एक इनपुट डिवाइस है। और दूसरा MICR जो चेक पर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इनकी आपको हर हालत में फुल फॉर्म्स याद रखनी चाहिए। तो OMR इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, इट इज ऑब्वियसली यूरेनियम। इसकी एक स्लाइड शायद मैंने आगे डाल रखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा भी। एंड क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली डायल अप सर्विस, और ये मैंने डायल अप सर्विस के बारे में थोड़ा सा लिखा भी है कि इसकी जो स्पीड होती है वो 56 kbps होती है, जो कि आज के समय में बिल्कुल नगण्य स्पीड है या बहुत छोटी स्पीड है। और इसमें जो है PSTN का इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है इसमें, और इसमें एनालॉग मॉडेम का इस्तेमाल होता है।
मॉडेम अभी एक क्वेश्चन पे आगे आने वाले हैं हम लोग, अभी इसी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मॉडेम आया है। तो बेसिकली द आंसर इज डायल अप सर्विस, ये इसके बारे में डिटेल मैंने आपको दी है ताकि हाथ के हाथ आपको क्लैरिटी सब्जेक्ट पर होती रहे। ये मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में समझाया था। ये जो अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली यूरेनियम का होता है। ये केमिस्ट्री की क्लास में बताया गया था कि इसमें यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन इस पर एक मारा जाता है और ये यूरेनियम 236 बन जाता है। यूरेनियम 235 पे मारा जाता है, इट बिकम्स यूरेनियम 235 और ये डिवाइड हो जाता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स में और बेरियम और क्रिप्टॉन और तीन न्यूट्रॉन छोड़ता है। तो ये चीज़ केमिस्ट्री में समझाई गई थी। आंसर है इसका निश्चित रूप से यूरेनियम। और हम लोग जब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जब यूनिट टू पढ़ेंगे यानी केमिस्ट्री, तो इसमें इसको फिर से डिटेल डिस्कशन इस पर किया जाएगा। SMPS स्टैंड्स फॉर, ये बहुत आसान आंसर है, ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। इट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिंग डिवाइस, ये सब कनेक्टिंग डिवाइस हैं और सारी नेटवर्क में यूज होती हैं, राउटर हब एंड स्विच। ये बाइट और बिट्स भी मैंने समझाया था कंप्यूटर आईसी क्लास में, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आप ये बताने का जो आशय है वो यही है कि अगर हमारी GS3 की एक अच्छी सी तैयारी है तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का जो GS1 है पेपर प्रीलिम्स का, उसमें आपको निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। तो फायरवॉल इज यूज्ड फॉर इसको रोकने के लिए अनऑथराइज अटैक। FTP भी मैंने पढ़ाया था, FTP इट इज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रहा। एंड वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी कंप्यूटर्स एंड ICT की जब मैं क्लास ले रहा था तो सॉफ्टवेयर के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें बात हुई थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये FTP मैंने पढ़ाया था क्लास में, जस्ट एक स्लाइड है उसकी, और ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, जस्ट रिमाइंडिंग। लेकिन इस चीज़ को हम फिर से पढ़ेंगे जब इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हम GS3 की तैयारी करते हुए यूनिट 4 पर यानी कंप्यूटर्स एंड ICT पर आएंगे। अगला सवाल देखिए रिपीट हो गया फिर से, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली 8 बिट्स होते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, याद रखिए हमेशा RGB प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो रेड प्राइमरी कलर है, ग्रीन प्राइमरी कलर है, सॉरी पी आप पीला नीला, आई एम सॉरी रेड येलो ब्लू ब्लू सॉरी तो ये काला प्राइमरी कलर नहीं है निश्चित रूप से। ये बहुत आसान सवाल है, ये भी समझाया गया था। ये किलोबाइट न्यूनतम मेमोरी की साइज है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट या बिट्स। आप अगर किलोबाइट बोल रहे हैं तो 1024, और अगर किलो बिट बोल रहे हैं तो 1024 बिट्स होंगे इसमें। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है, ये भी समझाया था मैंने जब कंप्यूटर हिस्ट्री की क्लास हुई थी। ऑब्वियसली 2 अंकों से बनी है, इट इज़ 0 एंड 1। बाइनरी भाषा कितने अंकों से बनी है, 0 एंड 1। और निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, तेज और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, इट इज़ ऑब्वियसली द सुपर कंप्यूटर, सबसे महंगा सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ये भी प्रीलिम्स का सवाल है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, दैट इज़ विजय भाटकर। वेरी सिंपल, ये याद रखना चाहिए। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज ऑब्वियसली पोर्ट। हम सब जानते हैं कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं जिसमें डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये मैंने आपको जब लैंग्वेजेस पढ़ाई थी, लैंग्वेजेस मीन्स की हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जब मैंने समझाई थी कंप्यूटर ICT की क्लास में, तब भी इस बात पर बात हुई थी कि ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पेंट पुरुष एक एप्लीकेशन है। तो पेंट पुरुष इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, लेकिन बेसिक C++ जावा कंप्यूटर लैंग्वेज हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत सवाल आसान सवाल है। द फर्स्ट पेज यू नॉर्मली व्यू एज ए वेबसाइट, इट इज ऑब्वियसली कॉल्ड होम पेज।
ये होम पेज कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर ऑब्वियसली कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुटिंग करता है, आपको कुछ आउटपुट निकाल के देता है। निश्चित रूप से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में करने में किया जाता है, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, इट इज सूक्ष्म एवं पास की वस्तु में माइक्रोस्कोप। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, ये पहला एंटीबायोटिक था। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ऑब्वियसली ओ। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर, ये मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, प्राइमरी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। और भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है, सिस्मोग्राफ, ये भी आपको निश्चित रूप से पता होगा, भूकंप का शब्द ही जो है वो सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात एक ये आगे सवाल है कि एक बैट्समैन किसी क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो एक ग्राउंड पर लुढ़कती है और कुछ दूर जाने के बाद बॉल जो है वो विराम अवस्था में आ जाती है, तो बॉल क्यों रुकती है। पहला कारण है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त रूप से हिट नहीं किया, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है और गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। तो ये असंतुलित बल और संतुलित बल ये सब मैंने समझाए थे फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ इसका आंसर है ये, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। इसमें मैंने कुछ अभी हम इस पे लौट के आएंगे, लेकिन एक स्लाइड मैंने डाली हुई है, ये मैंने आपको समझाया था संतुलित बल और असंतुलित बल जब क्लास ली थी, लेकिन इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जड़त्व का नियम लग रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में या तो विरामावस्था में या यदि वे चल रही है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम था जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का बल कहते हैं। और जब बॉल क्रिकेट की बॉल जब फील्ड पर लुढ़कती है तो ऑब्वियसली उस पर एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन बल। इस पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, इसलिए ये बॉल फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुकेगी क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको इसके मोशन का विरोध कर रहा है। ओके, WWW का आविष्कारक कौन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियसली टिम बर्नर्स-ली। आशय सिर्फ बताने का बार बार ये है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हैं। इसके पश्चात 2017 का है ये पेपर प्रीलिम्स का, ए मॉडर्न, मैंने आपको बोला था कि मॉडर्न आगे आया है, पीछे भी इसका कहीं रेफरेंस था, तो मॉडर्न इज ऑब्वियसली, ये मॉडर्न क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, आई रिपीट, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो इसका आंसर है दोनों ए और बी, सिंपल। एंड ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क लैन, और डक डक गो ये एक सर्च इंजन है। अभी जब एक कंप्यूटर की क्लास मैं लूँगा रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें आपको एक स्लाइड पर जितने भी सर्च इंजन हैं वो ज़रूर बताए जाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन से रिलेटेड सवाल इसके बाद भी एक और कहीं पर मैंने देखा है किसी प्रीलिम्स में आया हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर नोन एज, ध्यान रखिए क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं क्योंकि इनकी इंटेंशन मैलाफाइड होती है, मैलाफाइड इंटेंशन, तो इनको ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं। इसके पश्चात 55th सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ऑब्वियसली ओपेरा इज ए वेब ब्राउजर, विवाल्डी इज ए वेब ब्राउजर, मोजिला इज ए वेब ब्राउजर, बट गूगल एप्स वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एप्लीकेशंस की उपलब्धता देता है। तो मैं आपको जब कंप्यूटर्स एंड आईसीटी का रेगुलर क्लास लूँगा इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं जिनको हमें, जिनके नाम को हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में रिपीट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेट की वो सेवा जिसे जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सम्मिलित रहते हैं, तो ये बड़ा सरल सवाल है। ऑडियो और वीडियो दोनों वार्तालाप हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त होते हैं, वीसी में, सो इसका आंसर है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नेक्स्ट इज लाइटनिंग कैन इवन, जो तड़ित है, जो बिजली चमकती है, उससे वृक्ष में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइटनिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसलिए वो कहीं पर भी आग लगाने का उसमें क्षमता होती है. कौन सा रोग प्रोटोजोया द्वारा होता है? ध्यान रखिए, मलेरिया. मलेरिया प्रोटोजोया से होता है. लेंस की शक्ति नापी जाती है. जब मैंने क्लास ली थी फिजिक्स की और आपको उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ाया था और लेंसेज पढ़ाए थे, तो उस तब हमने पढ़ाया था कि पावर ऑफ द लेंस नापी जाती है डायप्टर में. तो इसका आंसर है डायप्टर, और ये मैंने आपको बता ही दिया. ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने फिजिक्स की क्लास ली थी. ये लिखा हुआ है फिजिक्स की क्लास जब मैंने ली थी और मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज और रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, उस समय ये पढ़ाया गया था. लेकिन इसको हम जब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, और फिजिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से इस पर फिर से बात होगी. 2017 का सवाल है कि कंडक्शन से, मतलब संवहन से, ऊर्जा का स्थानांतरण किस किस में हो सकता है. इसको ध्यान रखिए, थोड़ा मैं समझाता भी हूं. इट इज ऑलवेज संवहन से. देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें समझिए. अगर हमारे पास कोई मेटल है, धातु, तो धातु में कंडक्शन होता है. सॉरी, कन्वेक्शन था, मैं इसको गलत बोल रहा हूं. कंडक्शन था धातु, मेटल में कंडक्शन होता है, जिसमें एक पार्टिकल हीट गेन करके दूसरे पार्टिकल को अपनी हीट ट्रांसफर करता है. इट इज कंडक्शन. इसको आप ऐसे समझें कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और किसी एक बच्चे के पास, आगे जो बच्चा बैठा हुआ है उसके पास, ये माना बच्चे बैठे हुए हैं आगे, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, इसके पास एक डस्टर है, ये डस्टर इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको डस्टर ट्रांसफर करता है, ये इसको डस्टर ट्रांसफर करता है, एंड सो ऑन. और इस प्रकार से पूरी क्लास में डस्टर घूम जाता है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन. लोहे में या किसी भी धातु में इसी हिसाब से, इसी मान से ऊर्जा का, हीट ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण होता है. लेकिन अब आप एक दूसरा सिनेरियो देखें, जिसमें हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन की, या हिंदी में बोलते हैं संवहन, कि ये डस्टर, ये बच्चा डस्टर लेके पीछे आया, इसने डस्टर इसको दिया, ये बच्चा आगे चला गया, इसने डस्टर पीछे लिया. तो इस तरह से जब एक पानी गर्म होता है, तो ये वाला अणु गर्म हुआ पानी का, ये ऊपर चला गया, यहाँ इसने इसको रिप्लेस किया, वो नीचे आ गया, ये गर्म हुआ, ये ऊपर चला गया. ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये है कन्वेक्शन. और अगर हम एक तीसरा तरीका देखें, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, तो रेडिएशन में हीट जो है सीधे, बिना बीच में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन के, सीधे ट्रांसफर होती है. अगर हम गैस के चूल्हे के पास खड़े रहें, तो हमको ऑब्वियसली उसकी गर्मी हम तक आने लगेगी. सूर्य की गर्मी हमारे पास रेडिएशन के थ्रू आती है. इसको फिर से मैं क्लास के एग्जांपल से समझाता हूँ कि डस्टर यहाँ इस बच्चे के हाथ में है, इसने इसको फेंक के दिया यहाँ तक, तो इसमें बीच में जितने बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के पास डस्टर नहीं आया, सीधे यहाँ से ये डस्टर यहाँ आया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. तो तीन तरह से हीट का ट्रांसफर हो गया. एक तो कंडक्शन, ये वाला मेटल में, दूसरा कन्वेक्शन जो गैस एवं द्रव में, और तीसरा हो गया रेडिएशन, जिसमें हमको सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है या सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट? ऑब्वियसली ग्रेफाइट. ये मैंने आपको अपनी क्लास में, ये क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पर है, ग्रेफाइट. ये मैंने अपनी, जब मैं केमिस्ट्री की क्लास ले रहा था, तो मैंने उसमें आपको अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था. ये क्लास अनअकैडमी पर ली गई थी, केमिस्ट्री की, एक प्लस कोर्स था पूरा केमिस्ट्री का. लेकिन यहाँ पर इसको फिर से पढ़ेंगे जब इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे. 2017 का अगला सवाल है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑब्वियसली रेटिना पर बनता है. ये बहुत सिंपल सवाल है. तो इसका आंसर है रेटिना. लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना चाहिए. तो वेरी सिंपल, ये नाइट्रस ऑक्साइड है. और किडनीज जो होती हैं ह्यूमन बींग्स में, ऑब्वियसली दे आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. सिंपल. बैक्टीरियोफेज बोलते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया किसी वायरस किसी बैक्टीरिया को ही अगर अफेक्ट कर दे, इन्फेक्ट कर दे,
जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, तो इसका आंसर डी है। इस टर्म को याद रखिए, ये प्रेजेंट सिनेरियो में भी, कोविड 19 के प्रेजेंट सिनेरियो में भी इसको याद रखना जरूरी है। और इसके बाद अगला सवाल है मियोसिस पर, ये भी मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैं आपको स्टेम सेल्स पढ़ा रहा था और क्लोनिंग पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। ऑब्वियसली एंथर्स इसका आंसर है, पराग कोश। मियोसिस प्लांट्स में पराग कोश में होता है, ये वो स्लाइड है जब मैंने क्लोन पढ़ाया था, तो ये मैंने यहाँ पर मियोसिस पढ़ाया था ये। ओके, लेकिन इसको हम फिर से पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टेट डेटा सेंटर करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें बताने की हैं कि भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में लागू किया, और जब ये जो इस प्लान, जो ये स्कीम जब लागू हुई नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमको एक डेटा सिक्योरिटी और डेटा हम कहाँ इसको संभाल के रखें ताकि डेटा भी हमारे आधिपत्य में रहे। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि हर स्टेट का अपना एक स्टेट डेटा सेंटर होना चाहिए, तो सभी स्टेट्स में स्टेट डेटा सेंटर बनने शुरू हुए और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्टेट डेटा सेंटर को प्रारंभ किया। इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान पर और ई गवर्नेंस पर हम लोग निश्चित रूप से जब ई गवर्नेंस पढ़ेंगे यूनिट 4 में, तो इस पर हम लोग और बात करेंगे कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था क्या, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे और उन कंपोनेंट्स की आवश्यकता क्यों है और उनकी पूर्ति किस तरह से हो रही है। ध्वनि तरंगों का तीव्र प्रगमन होता है ठोस में, इस पर भी मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, मैं भी आपको इसकी एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ। ये स्लाइड है, ये जब मैंने फिजिक्स पढ़ाया था तब ये बात हुई थी कि ठोस में सबसे तेज चलती हैं, ठोस में भी एल्यूमिनियम में, ध्यान रखिए इसको कि एल्यूमिनियम में इनकी स्पीड हाईएस्ट होती है ध्वनि की। अभी 2017 ही चल रहा है, आज मैंने 2017 तक के लिए हैं क्वेश्चंस। स्मॉल पॉक्स चेचक जो थी वो 1980 में इरेडिकेटेड डिक्लेयर की गई थी। एंड व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम, ये मैं अपनी अनअकैडमिक क्लास में भी समझा रहा था कि चूंकि ओपियम मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच में होता है, और इस पर दो सवाल आए हैं, एक तो अभी आया, एक बाद में शायद 2019 या 2018 में ओपियम पे सवाल आया है। तो मैं आपको भी मैं सलाह दूंगा कि मध्य प्रदेश की कुछ फसलें देख लें, सोयाबीन देख लें, गेहूँ देख लें, चना देख लें, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ बहुतायत में होती हैं, उनके कुछ बोटेनिकल नेम या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकती है उसको आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर है पेपेवर सोमनीफेरम। जस्ट रिपीटिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एक फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी शुरू कर रही है जिसमें आपके सामने ये एजुकेटर्स हैं और साइंस पढ़ाने का काम मेरा है, और ये जो कोर्स है ये मेरा जो कोर्स है, मतलब वैसे तो कोर्स 12 मई से 19 अगस्त तक का है, लेकिन मेरा कोर्स जो है वो 26/6 से 3 अगस्त तक का 39 डेज का एक डेडिकेटेड कोर्स है। ये स्लाइड आप पहले देख ही चुके हैं। अनअकैडमी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक साल का मात्र इतना रुपया लगता है, जिसमें आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी एजुकेटर को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं किसी भी एजुकेटर के प्लस प्लेटफॉर्म पर। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक रेफरल कोड उसमें लगा देते हैं जब पेमेंट करते हैं तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाती है, और 10% की डिस्काउंट करते ही आपका 6,300 रुपये हो जाता है। तो अगर आप 6,300 रुपये को 366 या 365, मतलब एक साल से अगर आप डिवाइड करें तो ये आता है मात्र, सॉरी स्लाइड, 17 या 18 रुपये आता है एक दिन का। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको PCS की तैयारी करने के लिए, मतलब मध्य प्रदेश PCS की बात कर रहा हूँ, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा जो आपको सिर्फ किसी भी, मतलब वंस पेमेंट के बाद, एक बार पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी एजुकेटर को पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट इज एक थोड़ा सा आज ख़त्म करने से पहले स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन पर बात करना चाह रहा हूँ, जो कि यूनिट 1 है मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के GS 3 में 10 यूनिट हैं, हम सब जानते हैं उसमें 10 यूनिट हैं अभी, और इस 10 यूनिट में जो पहली यूनिट है, ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में, जो कल जो क्लास हुई थी, मतलब परसों कहना चाहिए, जो परसों क्लास हुई थी उसमें एक्सप्लेन की थी। तो जो पहली यूनिट है वो ऑब्वियसली फिजिक्स की यूनिट है,
और इसमें जो मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझने से पहले थोड़ा सा, एक स्लाइड है बस, ये हमको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज यानी के अदिश और सदिश राशियों को समझ लेना चाहिए। ऐसी मात्राएं जिसमें सिर्फ एक परिमाण हो, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से या स्पीड से जा रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी समस्त मात्राएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, तो वो सब अदिश कहलाती हैं। वेरी सिंपल, मैंने नीचे एग्जांपल भी दिए, जैसे लंबाई, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, टेम्परेचर, ये सब जो एग्जांपल हैं, अदिश के एग्जांपल हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसी समस्त मात्राएं जिसमें डायरेक्शन का भी महत्व होता है या डायरेक्शन भी उसमें एक इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं उसको नापने में, उसको हम बोलते हैं सदिश। जैसे हम बात करें कि हवाई जहाज की स्पीड इतनी है लेकिन इसकी डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन हमको बतानी पड़ेगी, तो इसलिए जो हवाई जहाज की जो स्पीड है हम उसको डायरेक्शन के साथ बोलेंगे और वो कहलाएगी एक सदिश राशि, यानी जिसमें डायरेक्शन समाहित की गई है। तो डायरेक्शन के जो कुछ एग्जाम्पल हैं जिस सदिश क्वांटिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के, वो डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड मोमेंटम। ये आपको एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल हैं इनके, ये याद रखने चाहिए, ये निश्चित रूप से प्रीलिम्स। और 3 नंबर का जो सवाल आएगा यूनिट 1 से मेंस 2020 में या 2019 में भी ऑफकोर्स, उसके लिए आपको इन सबको जानना ज़रूरी है। अब एक थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्पीड पर। स्पीड अभी मैंने आपको बताया कि ये एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड होती क्या है? स्पीड को समझने से पहले हमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, स्थिति और समय। यानी कोई व्यक्ति किसी समय इस स्थिति पर है और कुछ समय बाद वो इस स्थिति पर पहुंच जाता है, तो ये 2 स्थितियां हो गई इसकी, एक और एक 2, और इसमें इसको कितना समय लगा। ये 2 चीज़ें हमको, ये 2 बुनियादी मापदंड हैं अगर हमको गति समझनी है तो, नंबर 1। और नंबर 2, हमको हर हालत में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए या एक लोकेशन चाहिए अगर हमको गति की बात करनी है। तो गति समझने के लिए 2 चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं, स्थिति और समय, नंबर 1। और नंबर 2, एक उसका रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु कि वो कहाँ था, उसने कहाँ से अपनी जर्नी प्रारंभ की, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी है। ओके, अब जब कोई वस्तु अपनी स्थिति लगातार बदलती है तो देखिए 2 तरह से बदल सकती है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है कि एक तो ये तरीका हुआ कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, ए से बी पर आया, सी पर आया, डी पर आया, तो ऑब्वियसली इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, इट इज डिस्टेंस, या हिंदी में बोलें तो दूरी। वेरी सिंपल, ये हुई दूरी। लेकिन हम एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ से चल के यहाँ आया और वापस यहीं आ गया, तो ऑब्वियसली इसने जो डिस्टेंस चली इस केस में वो 2πr चली, क्योंकि 2πr जो सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का, तो ऑब्वियसली इसने जो डिस्टेंस चली वो तो 2πr हुई। लेकिन ये चूंकि यहाँ से फिर यहीं आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो इसका विस्थापन हुआ, वो 0 हुआ। तो हमको अभी जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमको 2 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज वेरी क्लियर, डिस्टेंस उसने कितनी दूरी तय की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में अल्टीमेट डिफरेंस क्या है। इसके पश्चात दूसरा जो पॉइंट है कि गति जो है वो प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। यानी मैंने इसको उदाहरण से समझाया है कि अगर माना कोई बस चल रही है तो उसमें से 2 जो को पैसेंजर्स हैं वो दोनों एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा हुआ आदमी है तो उसको ये दोनों यात्री बस के साथ चलते हुए भी लगेंगे। तो ऑब्वियसली जो प्रेक्षक है, अगर वो बस के अंदर बैठा है तो उसका देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन अगर वो बस के बाहर खड़ा है तो उसका देखने का नज़रिया निश्चित रूप से अलग होगा। तो गति जो है प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। और दूसरी चीज़ हमने समझी है कि गति के संदर्भ में हमको 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, नंबर 1 दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया टोटल डिस्टेंस, इट इज़ दूरी, और विस्थापन
यहाँ से लेके यहाँ तक ये विस्थापन है, लेकिन अगर ये आदमी यहाँ से फिर से यहाँ आ जाता है तो इसका विस्थापन जीरो है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूँ, ये कोई यहाँ से चला 60 और वापिस यहाँ पर आ गया, तो एक्चुअली इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 35, लेकिन दूरी चला ये 60 + 25 किलोमीटर की दूरी चला, लेकिन इसका जो विस्थापन है इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 35 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से आपको विस्थापन और दूरी में फर्क जो है वो समझ में आ गया होगा। अब गति का फॉर्मूला बहुत सरल है, हम लोग बहुत शुरू से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो दूरी बटे समय होती है, कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव क्या हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस चली गई इसको हम समय के सापेक्ष निकालेंगे, कितने समय में हुआ उस समय से ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला आएगा, इट इज़ दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन लंबी दूरियों के लिए किलोमीटर पर आवर। एक समान गति का मतलब होता है कि अगर इक्वल समय अंतराल है, समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति यदि समान दूरी तय करता है, आई जस्ट रिपीट, समान अंतराल में, ये देखिए यहाँ पर समान अंतराल है, ये जो समान अंतराल है ये 30-30 मिनट का है, ये 30 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 मिनट, तो 30-30 मिनट में हम यहाँ से देखना शुरू करें 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25, तो समान समय अंतराल में जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पर, जिसमें इस एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं, मैं इसको लिखना भूल गया, और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं, इस ग्राफ पर, दूरी समय ग्राफ पर ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। आई जस्ट रिपीट कि अगर एक कांस्टेंट स्पीड पर कोई वस्तु चल रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर कोई वस्तु की गति असमान है, मतलब समान समय अंतराल में अगर समान दूरी नहीं तय की गई है, तो ऑब्वियसली वो जो गति है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति चल रही है, उसका ग्राफ जो है वो जिगजैग तरीके से बनता है, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कि जब ये ग्राफ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, यानी कि टाइम वाली एक्सिस के, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाहन रुका हुआ है। जब ये पैरेलल होती है लाइन, यहाँ पर वाहन रुका हुआ है, बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि इतने से इतने डिस्टेंस पर इसका जो इतने से इतने टाइम के बीच में इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो ये वाहन यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये वही मैंने आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत सिंपल सवाल है, औसत गति ऑब्वियसली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज 320 अपॉन टाइम 8, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत सरल सवाल था, तो आज मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा, और आज शाम को 10 बजे से हम लोग इसको यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और डेज मैंने शुरू में बता दिए थे कि किस किस डेज पे हम लोग जी एस 3 पढ़ने जा रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन हैं, और शेष 3 दिन हम लोग गणित पढ़ेंगे, गणित बिल्कुल शुरू से तक, क्योंकि गणित सभी एग्ज़ाम का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो 3 दिन मैथमेटिक्स रोज़ रात को 10 बजे, और 4 दिन जी एस 3। थैंक यू वेरी मच।